इस बार हमने अपने मजाक में शामिल किया पाकिस्तान के मशहूर कवाल अमजद साबरी को और इन्हें किसी बहाने बुलाया था ने और फिर किया इनसे एक खतरनाक मजाक। आइए देखते हैं। दरअसल हमने आपको तकलीफ दी है, हमने एक मुजरिम पकड़ा है, तो मुंशियात हमने पकड़ी है काफी उसके साथ, तो मैं आपको तफसील बताता हूँ उसकी। उसने जो है आपसे अपनी वाकफियत और बहुत ज्यादा दोस्ती और बहुत ज्यादा क्लोज बताया कि अमजद साहब मेरे बहुत मनशियात के साथ पकड़ा है आपने और वो मेरे साथ बता रहा है कि जी हाँ, जब हमने आपको तकलीफ दी। अच्छा जी, कौन है जरा भुलाइए। अमजद भाई मुझे बचा लो, अमजद भाई मैं जेल नहीं जाना चाहता। भाई कौन है आप? अमजद भाई ऐसा नहीं करो, अमजद भाई मेरे को पहचानने से खड़े बात करो भैया। अमजद भाई मेरे को बचा लो, अमजद भाई मैं आपके कहने पे गया था। अमजद भाई कहाँ भेजा था भाई मैंने? अमजद भाई कौन? अमजद भाई ऐसी बात नहीं करो, आप पहचान भी नहीं रहे भाई। पहचान, ये बहुत मशहूर हस्ती है मुल्की। सर सर ये मैं बताऊँ आपको, ये मैं तो नहीं जानता इसको, ये खामखा की नक्शेबाजी कर रहा है। भाई कौन है? अमजद भाई आग नहीं मारो, अमजद भाई अमजद भाई मारूंगा पकड़ के। अमजद भाई देखो मेरे बहुत मारा, मैं बता भी नहीं सकता। अमजद भाई मेरे को बता रहा है, मैं बता दूं आपको। कसम अल्लाह भाग के मैंने आपको कितना कमा के दिया। अमजद भाई तेरे को क्या हो गया है? कौन है तू? आप बोल रहे थे डिफेंस में अड्डा खुलाऊंगा। अमजद भाई नहीं, आप भी मार रहे हो, ये भी मार रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ? अमजद भाई मुझे बचा लो, मैं आपके पैर में लाऊं। आप बैठे तो सही, आप बैठे एक मिनट बैठे, आप बैठे एक मिनट बैठे, मैं फिर बात करता। आप बैठे, मैं मारूंगा खाने का पकड़ के यहाँ से। यार आप बैठो, आप बैठो, बैठो बैठो तसली से बैठो, बैठो सस्ते पहचान हो भैया। मैं बताऊं आपको, ये कामखा की नक्शेबाजी है, कोई दुश्मनी कर रहा है मेरे साथ। करो एक सेकंड बैठो सही यार। अबे यार बैठो, आप बैठो सर। मर जाऊंगा, मेरी माँ है, मेरी माँ बात कह रही हूँ मैम। भाई मार बात सुनो ना मेरी, इतनी मार खा चुका है ये, इतना इसका साथ। अबे मेरे को जानता है तू कौन हूँ? आप बैठे, आप बैठे, छोड़ो यार, आप बैठे तो सही ना, बैठ के बातचीत करो, बैठो से बैठ के बातचीत करो। अब इतना पिटने के बाद तो झूठ नहीं बोल सकता ना यार। तो यार आप क्या समझ रहे हैं कि हम मंशियात पर? हम समझ नहीं रहे यार, आप हमें जानते हो हम कौन है? हम सब जानते हैं, हमारे बाप दादा का नाम नहीं मालूम आप लोगों को? लेकिन अब वो देखो ना, मुस्लिम क्या कह रहा है, हमने इसलिए यार मुस्लिम कुछ भी कह देगा आप मान लोगे यार? मान आपके सामने करा रहे हम तो यार, हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे, सामने करके बुला लिया, इसीलिए बुलाया हमने आप। आप देखे ये जो बोल रहा है उसको देखिए, आप क्या कह रहे हैं सर जी? ये खामखा कोई फंसा रहा है, नक्शेबाजी कर रहा है। देखिए आप सब्र से हम उससे बात सुने, उसकी भी बात सुने और अपने आप भी आप देखें ये क्या कह रहा है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ऐसे ही करें, कानून कानून है यार, कानून हमने उसकी भी सुननी है भाई, कानून आपके भी सुननी है, आप हमारे लिए काबिले मोहतरम है भाई, सब कुछ है कानून। लेकिन वो क्या बोल रहा है वो देखें आप। लेकिन आप क्या ये बोल रहे हैं, जो ये बोलेगा आप बोल दो कि हाँ सच बोल रहा है। अच्छा अब गाड़ी कौन सी आपके पास? यार गाड़ी कोई सी भी हो आपको क्या है? अब मालूम पता नहीं चलेगा कौन सी गाड़ी आपके पास है भाई। मैं सिटी में आया हूँ, मेरे पास सिटी है। मैंने कमा के दिया, तुमने कहाँ से कमा के दिया? मैंने सिटी, इन्होंने कहा मुझे सिटी ले ली। कमा चुप हो जा, चुप बिल्कुल चुप हो जा। अब बताए सारे इन्वेस्टिगेशन है ना भाई, मालूम करना यार। तो आप क्या मेरे को चोर समझ रहे हैं? मेरे को क्या कहते हैं मंशियात पर समझ रहे हैं? बैठे, चोर मुंशियात की बात नहीं है, जब एक मुलजिम आप पे इल्जाम लगा रहा है, आप पे बता रहा है, आपसे वाकियत जारी है। आप मुझे जानते हैं ना? मैं आपको भी जानता हूँ, आपके वालिद को भी जानता हूँ, सबको जानते हैं सब कुछ। आप हमारे लिए मैं बताऊँ है, ये जो आप बोल रहे हो ना, मुझे पैसे ऐसे कमाने की कवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाप मेरे पीछे बहुत पीछे पैसे छोड़ के गया। पैसा ऐसी चीज है जितना हो कम है। नहीं नहीं भाई, ये बात नहीं करें, कोई कहानी नहीं है, ये बात नहीं है, ये खामखा की नक्शेबाजी है। ये मेरे को फंसाया जा रहा है, ये दुश्मनों की चाल है, कोई से भी दुश्मन हो सकते हैं भाई। कौन से दुश्मन? मैं जानता ही नहीं यार इसको। आप पहचान नहीं रहे यार भाई, मेरा नाम तो सारी दुनिया जानती है, तो तू मेरा नाम लेके बोलेगा अमजद भाई, अमजद भाई कर रहा है। वही सही था, आपके साथ कवाली में ताली बजाता था, आपने मुझे बोला ये काम। बेटा मेरे साथ कवाली बजाई कब है तूने? मुझे पहचान नहीं रहा भाई, ये कोई नक्शेबाजी हो रही है? नक्शेबाजी नहीं हो रही, नहीं नहीं कोई कहानी नहीं है, नक्शेबाजी नहीं हो रही। अब देखें इसको, नहीं 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 ऐसी कोई कहानी नहीं है,
यार मुझे प्रोग्राम में जाना है भाई, मेरे पास फोन आ रहे हैं। प्रोग्राम में जाना है तो ये देखो ना, ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये कौन सा प्रोग्राम है? ये तो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई कहानी नहीं है यार। मैं आप ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये आपको कहीं और ले जाएगा। मेरे साथ कोई ऐसी कहानी नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं मान रहा हूँ, आप बैठे, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं नहीं जानता हूँ इनको, आप बैठे तो सही। मेरे पास फोन पे फोन आ रहे हैं। अबे दो मिनट जा यार, मैं मारूंगा इसको। देखो ये खामखा की नक्शेबाजी हो रही है मेरे साथ। यार आप बात ही नहीं समझ रहे हो आप। यार जब मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं जानता ही नहीं इसको। यार आप मेरी बात मानेंगे, इसकी बात मानेंगे? इतना कैसे जान सकते हो आप? अस्सलाम वालेकुम। और यासीन भाई क्या हाल है? बैठे हैं आप? चल भाई खड़ा हो जाओ। सॉरी करो अमजद भाई, सॉरी करे, सॉरी करे। अंजद भाई आपसे मजाक किया था मैंने अपने प्रोग्राम के लिए, सब अरेंजमेंट मेरे हाथ की हुई है। अबे यार यासीन भाई तुम खामखा, आपको लगा कुछ? ये देखिए वो एक कैमरा, वो लड़के बच्चे कोने में लगा हुआ, ये एक कैमरा, ये लगा हुआ। अबे यार मजाक की कसम भाई, पता ही क्या ऐसे ऐसे मजाक कर रहे हैं इसको।